अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रूबी सैफ। आगे आज हम दोबारा फर्दर एरेज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एरेज के जो फंक्शंस है बिल्ट इन PHP में, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एरेज के जो फंक्शन है उसमें सॉर्ट फंक्शन फॉर एरे, कि अगर एरे को हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस हैं। सॉर्ट सिंपल अगर हम यूज़ करते हैं, सॉर्ट एरेज इन असेंडिंग ऑर्डर। आर सॉर्ट अगर फंक्शन यूज़ करते हैं तो सॉर्ट एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए सॉर्ट यूज़ करेंगे तो सॉर्ट एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। के सॉर्ट यूज़ करेंगे तो सॉर्ट एसोसिएटिव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की, कि की के अगेंस्ट वो सॉर्टिंग करेगा एसोसिएटिव एरे में, असेंडिंग ऑर्डर में। ए आर सॉर्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो ए आर सॉर्ट जो है सॉर्ट एसोसिएटिव एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लेके आएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एसोसिएटिव एरे में। इसी तरह के आर सॉर्ट को ही अगर हम यूज़ करते हैं तो वो है सॉर्ट एसोसिएटिव एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की। जी, जो हमारे पास सॉर्ट एरे हैं असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास जो कार्स का जो है जो एरे जो क्रिएट हुई है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में इनको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएगी, कि फर्स्ट पहले बी आएगा, यानी कि अल्फाबेटिकली अगर बी पहले है तो बी पहले आएगा, उसके बाद टी है और फिर पी, यानी कि जो एरे की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे। इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने एक एरे क्रिएट की है, मैंने एक वेरिएबल एरे है जिसका नाम कार्स है, और इस एरे में मैंने तीन वैल्यू स्टोर करवाई हैं और इनमें कार्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। मैंने यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया और सॉर्ट फंक्शन में मैंने एरे का नेम बता दिया है, और फॉर लूप को यूज़ किया है, फॉर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस दैन 3, तो आई में इंक्रीमेंट करें, और हमने ये किया कि कार्स के जितने भी एरे के इंडेक्स में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो आई में स्टोर करवा के उनको हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, मेरे पास जो एरे जो सॉर्ट हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में हुई है, जबकि मेरे पास एरे में जो वैल्यूज जो स्टोर थी वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं थी। सॉर्ट एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसके लिए हम लोग आर सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे एरे का, इसकी भी एग्जांपल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसको हम जस्ट आर सॉर्ट कर देंगे, इसकी आउटपुट चेक करें तो हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, यानी कि वी पहले आएगा, फिर उसके बाद टी और फिर उसके बाद बी। सो इस तरह हम एरे में असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सॉर्ट एरे असेंडिंग और इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ए सॉर्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो उसके जो है एसोसिएटिव एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें मैंने एज एक एरे मैंने क्रिएट की है, और इस एरे में मैंने की के अगेंस्ट वैल्यू रखी है, कि पीटर की अरे जो एज है वो 35 है, बेन की अरे एज जो है वो 37 है, और जो की जो एज है वो 43 है। तो इस एज को मैंने ए सॉर्ट जो मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन है एरे के सॉर्ट के लिए उसको यूज़ किया, और उसमें मैंने एरे नेम एज पास कर दिया। फॉर ईच को यूज़ किया है, कि जो मेरे पास एरे है एज वेरिएबल एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर होगी, और उसको की के साथ उसकी की और जो वैल्यू है उन दोनों को इको करवा लिया। इसकी आउटपुट चेक करते हैं,
तो मेरे पास कीज की आ गई है पेटर वैल्यूज की 35, कीज की बैन वैल्यूज की 37, कीज की जो है वैल्यूज की 43 आ गई। अगर हम इसके एग्जांपल की आउटपुट चेक करें तो मेरे पास जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ रही हैं। अगर इन वैल्यूज़ को हम एसोसिएटिव वे में डिसेंडिंग पे करना चाह रहे हैं तो एक ही जगह हम के सॉर्ट यूज़ कर लेंगे। अब इसकी अगर आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास, अगर हम इसकी आउटपुट अब चेक करेंगे तो हमारे पास जो कीज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी, यानी कि बेन जॉय और पीटर ये जो है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। इसी तरह जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे पास के आर सॉर्ट, जिसमें एसोसिएटिव एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। और इसी तरह अगर हम इसके नेक्स्ट वो देखें तो वो है हमारे पास ए आर सॉर्ट। ए आर सॉर्ट में हम क्या यूज करेंगे, एसोसिएटिव एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करेंगे अकॉर्डिंग टू द की। तो इन दोनों को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। के आर सॉर्ट मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई हैं कीज़, ट्विटर पहले आया है जॉय और फिर बेन। इसी तरह अगर मैं इसको ए आर सॉर्ट कर देती हूँ तो मेरे पास जो है ये उसकी वैल्यूज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई हैं। सो इस तरह हम एरेज के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन को पीएचपी में।